ये ब्रेड पकोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन, येलो, रेड, तीन अलग अलग कलर दिख रहे हैं। ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है। तो फिर चलिए बनाते हैं ऐसा स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे बच्चे बड़े सबका फेवरेट स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा। ये ब्रेकफास्ट और शाम के स्नैक के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, बनाना भी आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड की स्लाइसिस, एक कप बेसन, 6 से 7 बॉयल्ड आलू, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बारीक चॉप धनिया, बारीक चॉप प्याज, सोडा बाइकाप, अमचूर पाउडर, बारीक चॉप्ड हरी मिर्च, टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर देखिएगा। चलिए अब हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 कप बेसन डालें, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून सोडा बाइकाप डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पकौड़े का बैटर तैयार कर लेंगे। ये हमने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है, ना ज़्यादा पतली रखनी है ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। चलिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, धनिया बारीक चॉप किया हुआ, 1 छोटा प्याज बारीक चॉप किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। अब हम पकोड़े असेंबल कर लेते हैं। ब्रेड की स्लाइसिस ले लें, एक साइड पे ग्रीन चटनी स्प्रेड कर दें, दूसरी साइड पे टोमेटो केचप स्प्रेड कर दें। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग का लेयर स्प्रेड कर देते हैं। अच्छे से स्प्रेड कर ले। फिर दूसरी स्लाइसिस लेके उसको ऊपर रखे और हल्के से प्रेस कर दे। अब हम इसको पिज्जा कटर या छुरी की मदद से काट लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल गरम कर ले। यहाँ ध्यान रखें कि फ्लेम को मीडियम हाई रखे। लो फ्लेम करने से पकौड़े बहुत ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और पकौड़े बहुत ज्यादा ऑयली बनेंगे। यहाँ हमने बैटर में पकौड़ों को डिप कर लिया है और इस तरह से ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इसी तरह दूसरे पकौड़े को भी डिप करके ऑयल में डाल दें। ये पकौड़े नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल के एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख देंगे। इसी तरह से हम सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। ये हमारा स्टफ्ड ब्रेड पकौड़ा तैयार है। हम इसे बीच में से काट लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।